असलियत है क्या है, क्योंकि जांच भी बिठा दी गई और फिर जांच के बाद और रिपोर्ट भी लीक हो जाती है, एक बड़ा मुद्दा बन गया है ऐसे समय में जबकि डीसी और एसपी कॉन्फ्रेंस हो गई है। पूरा मामला, इसकी सच्चाई है क्या? देखिए, बड़ी दुखद बात है, ये इंटरनल मैटर है सीआईडी का। सीएम साहब हमारे चीफ गेस्ट थे, हमने साइबर क्राइम विंग का डेटा सेंटर का उद्घाटन सीएम साहब द्वारा करवाया। उस वक्त सीएम साहब ने हामी भरी थी, ठीक है मैं आऊँगा, और सब कार्य संपन्न होने के बाद हम लोग अपने दफ्तर में बड़े अच्छे से सब कुछ संपन्न हुआ और सीएम साहब ने हमारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और जो हमारे प्रपोजल्स थे उसको भी पॉजिटिवली लिया। तो उसके बाद जब ये सफल आयोजन हो गया तो हम ऑफिसर्स बैठ के आपस में चाय पी रहे थे, तो ये चर्चा हुई कि भाई वो किसी ने कहा कि ये भी मंगाया गया था, वो गया कहाँ? तो हमने कहा पता करो क्या हुआ, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, पता करो क्या हुआ। और वो उसके बाद ना हमने किसी को नोटिस दिया है, ना हमने किसी को की एक्सप्लेनेशन कॉल करी है, मगर ये बात मीडिया में अचानक आ गई और इतना बड़ा इशू बन गया और इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी से, मीडिया वालों से, कि ये सीआईडी का इंटरनल मैटर है, इसको यहीं पे समाप्त किया जाए और ये उचित नहीं है इसको माध्यम बना के किसी को टारगेट किया जाए। धन्यवाद। रिपोर्ट का भी, जांच तो बिठाई गई थी, विवाद वहीं से हुआ जब जांच बिठाई और जांच रिपोर्ट लीक हो गई, तो ये गंभीर मामला है। सीआईडी की इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट वो लीक हो जाती है, तो आपके सामने पहली बार देखिए ये लिखित में रिपोर्ट आ गई जबकि हमने पता करने के लिए कहा था और पता करना भी चाहिए चीजों का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मैं हेड हूं, मगर अब ये कैसे लीक हुई, क्या हुआ, ये डल मैटर सीआईडी का, हम उसको देखेंगे, हम भविष्य में इसको देखेंगे, क्योंकि ये मेरा महकमा है, मुझे इसको हैंडल करना है, चैलेंज आया है तो इसको पता करेंगे। बट ये इसको गलत है कि इसको बात को एस्केलेट किया जाए और पॉलिटिसाइज किया जाए। सर, एक चीज वायरल हुई है कि 5 कर्मियों को नोटिस जारी हुए है, क्या ये तथ्य से विपरीत है? ये तथ्य से बिल्कुल विपरीत है, कोई इंक्वायरी नहीं ऑर्डर हुई है, कोई नोटिस नहीं जारी किया, कोई एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं किया, किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई भी हमारी मंशा भी नहीं है। ठीक है।